जम्मू कश्मीर नगर परिषद में कार्यरत महिला गांधरबल सहित लगभग 8 कर्मचारियों ने 2018 से वेतन जारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी ने आरोप लगाया कि उन्हें आज कार्यकारी अधिकारी द्वारा कार्यालय में प्रवेश करने के लिए भी रोका गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनमें से कुछ कर्मचारियों का वेतन जारी किया गया है जो अधिकारियों के रिश्तेदार हैं। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोर्ट ने भी विभाग को प्रतिवादियों का वेतन जारी करने का निर्देश दिया है। हालांकि आक्रोशित कर्मचारियों ने अपनी आपबीती सुनाई, लेकिन नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी गांधरवल ने आरोपों से खुद को दूर करते हुए कहानी का दूसरा हिस्सा सुनाया। एबीडी न्यूज के लिए संवाददाता डार मुश्ताक की यह रिपोर्ट। सर, और ईओ ने रिपोर्ट लिखा है कि हम सितंबर तक अटेंडेंस करें, जबकि ईओ खुद यहां पे अक्टूबर में आए हैं। सर, इससे पहले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने हमें वर्क ऑर्डर दिया था कि जो कंटिन्यू था अक्टूबर 2020 तक। सर, और हम आज भी ऑफिस आए, हमने आज भी अटेंडेंस की और हमारे पास हर कोई प्रूफ है। इवन सर, ईओ एक रिपोर्ट में लिख रहा है फेब 2021 की, दे आर कंटिन्यूसली अप्रोचिंग दी ऑफिस। सर, नब आज हमें वो बोल रहा है कि अब यहाँ पर मत आ जाए। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब हम कहाँ जाएं? 10 साल हमने सर्व किया है डिपार्टमेंट को, जो भी काम हमें दिया गया हमने ऑनेस्टली वो काम किया है। हाईकोर्ट से हमें ऑर्डर है कि इनकी डायरेक्टर रेस्पॉन्डेंट को डायरेक्ट किया गया कि इनकी सैलरी रिलीज की जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 8 मंथ से भी ज्यादा हुए वो ऑर्डर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सर, यहाँ के बाद यहाँ पे लगा हुआ, तब से मैं कंटिन्यू काम कर रहा था और मुझे सैलरी भी मिली 2018 में। इन्होंने हमें सैलरी बंद की और उसके बाद हमने इनको अप्रोच किया, कोई जवाब इनकी तरह से नहीं मिला। उसके बाद हमने हाईकोर्ट अप्रोच किया, हाईकोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया कि इनकी सैलरी रिलीज करो और आज तक वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और जो हमारे साथ बाकी एम्प्लॉय हैं सिमिलर सिचुएटेड, जिनका मैंने प्रेस कॉल में कल नाम भी लिया, उनको ये अच्छी से सैलरी छोड़ रहे हैं क्योंकि वो उनके रिश्तेदार हैं। मैंने कल भी खोल के बोला, आज भी खोल के बोल रहा हूँ, उनमें 10-12 बंदे हैं जो हमारे साथ लगे हैं और यहीं पे वो इनके रिश्तेदार हैं, उनको सैलरी छोड़ रहे हैं। और कल उस प्रेस रिलीज के बाद आज जब हम ऑफिस पहुँचे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने हमें यहाँ पे बोला लड़कियों को भी और हमें भी कि यहाँ मत आओ। एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ नहीं कहूँगा, पिटिशनर कहूँगा, तो 2018 में इनकी सैलरी बंद हुई है। यहाँ म्यूनसिपल काउंसिल गांधरबल ने, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल काउंसिल गांधरबल ने सैलरी इनकी बंद की है ऑन द बेसिस कि इनकी अपॉइंटमेंट जो है बेसिक अपॉइंटमेंट वो इलीगल हुई थी। और विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन से इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन आई थी कि ये एक्सचेकर स्टेट एक्सचेकर पे बर्डन है, उस बेसिस पे इनकी सैलरी उस टाइम में बंद की गई। उसके बाद इन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किया है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें एक डिसीजन पास किया है कि द डिपार्टमेंट द रेस्पॉन्डेंट्स आर डायरेक्टेड टू रिलीज देयर सैलरीज पेंडिंग वेजेस एंड द अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैज़ लिबर्टी टू डिसाइड ओवर देयर अपॉइंटमेंट। अब जब ये यहाँ पर आए, मैंने